2 Peter chapter 1 verse 4. Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमचूस लाइव। आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है, और अगर आपका ये पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग है पार्ट टू, दैट इज़ KKY's दार्जिलिंग फेलोशिप ट्रिप का। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट वन देख लीजिएगा, ऊपर है इन्फॉर्मेशन बटन को प्रेस कीजिए और फिर ये वीडियो देख लीजिए। सो नाउ मूविंग अप टू द पार्ट टू वीडियो, लेट्स वॉच इट गाइस। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम घूम के जा रहे हैं चाव रास्ता की तरफ, इस रास्ते से, और आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे KKY's के मेंबर्स। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी चहल पहल है यहाँ पर, कितनी भीड़ भाड़ है, और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ठंडा। और इससे आगे हम लोग चले गए चौरास्ता से आगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कैफेटेरिया है, और बहुत ही सुंदर हम लोगों ने सनसेट भी देखा अभी। सो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं ये घर भी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि ये ओल्ड टाइम के घर है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर इस सनलाइट की वजह से सब कुछ सुंदर दिख रहा है, बहुत ही एस्थेटिक लुक आ रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है घर का, फेरी टेल जैसा दिख रहा है, जो बहुत ही सुंदर है। गाइस, आप लोग भी ज़रूर आइएगा यहाँ पर घूमने को, बहुत ही ज़्यादा, और आपको यहाँ पर चल के ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चलेंगे तो आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखेगा, आप अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स खींच सकेंगे, और जो भी यहाँ पर सीनरी है उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं गाइस। सो गाइस, यहाँ हम ग्रुप में से कई तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, और हमारा फर्स्ट टाइम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं अपना सा लग रहा है। और आगे चलते जाने पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे एवरी टाइम साइन बोर्ड देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप किसी भी लोग से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे लोग इंग्लिश, हिंदी और जो नेपाली होते हैं वो सब समझते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं चर्च कितना सुंदर दिख रहा है, और यहाँ पे भी चर्च का स्ट्रक्चर सबसे टॉप में है, और व्यू कितना सुंदर दिख रहा है, और सनलाइट की वजह से ये और भी ज़्यादा निखर के आ रहा है। सो गाइस, जो आप ये आगे का चर्च है जो देख रहे हैं, वो है सेंट एंड्रूज चर्च, और ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मशहूर और जाना माना चर्च है। और हम अब इसी रास्ते से जाने वाले हैं, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर गोरखालैंड बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और आप देख सकते हैं सनसेट की वजह से सब कुछ इतना सुंदर दिख रहा है। और अब हम, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग चल के जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे, क्योंकि एटमोसफियर यहाँ का बिल्कुल थकाने वाला नहीं है, आपको आराम ही होगा, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है वॉक करने में, और साथ ही साथ फोटोग्राफ्स खींचने में।
और गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रुप साथ में चल रहा है और लीड हमारे ग्रुप को हमारे ग्रुप के लीडर सोहन कर गए हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऐसे चल के जाने में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े सड़कें हैं, साथ में ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे देखने की घूमने की चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकिल पे स्टंट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग और बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम फिर से चौरस्ता ही जा रहे हैं घूम के, क्योंकि फिर चौरस्ता से आगे फिर हमें जाना पड़ेगा क्योंकि शाम को भी हमारा एक फेलोशिप है, उसके बाद हम गेम्स और एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो भी आपको हम दिखाने जाएंगे गाइस। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ लगी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर अभी सनसेट है, इसीलिए जो माउंटेन में स्नो है वो भी सनसेट के कारण जो बीबी पिंक दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है और सभी फोटोग्राफ्स अभी ले रहे हैं, सभी बिजी है फोटोग्राफ्स लेने में। और इसके बाद हम आगे चले गए, वहाँ पर ऐसे बाज़ार है और यहाँ पर मार्केट लगी है और यहाँ पर सभी रंग बिरंगी चीज़ें बिक रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं अभी रात को। सो गाइज ये जो स्पेशली जो मंथ होता है सो विंटर्स के टाइम में ये मंथ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है क्योंकि ये मंथ में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे दार्जिलिंग में घूमने को, क्योंकि ये परफेक्ट वेदर होता है यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो टाइगर हिल में आप सनराइज़ देखना चाहते हो या फिर आप कहीं पे भी जाना चाहते हो जैसे कि रॉक गार्डन जाना चाहते हो या फिर रोपवे जाना चाहते हो, तो ये परफेक्ट वेदर होता है तो इसीलिए इस टाइम को टूरिस्ट की भीड़ ज़्यादा होती है। तो लकीली हम इस टाइम ही यहाँ पर आ सके और ये सुंदर सुंदर चीज़ें हम देख सकें, मतलब इसके लिए तो ऑब्वियसली वी आर सो ग्रेटफुल टू द चर्च एज वेल एज फॉर टू द ऑलमाइटी गॉड, हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ये पुराना मार्केट ही है, बहुत सालों से लग रहा है ये मार्केट और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे शॉपिंग किया है और अब भी शॉपिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं। सो कई मेंबर्स हमारे वो भी देख रहे हैं सामान को और वो भी शॉपिंग के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो आप आगे देख सकते हैं हम चौरास्ता फिर से आने वाले हैं और चौरास्ता में रुक के हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा चाय पी लें क्योंकि अभी शाम हो रही है और थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो इसीलिए हम आगे जा रहे हैं गाइस। सो आप देख सकते हैं राइट साइड में सारे मार्केट है और मोस्टली वहाँ पर आप देख सकते हैं जो ठंड में आपको ज़रूरत लगती है जैकेट और विंड के वुलेंस के सामान हो या फिर शॉल हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं, आपको देखने से ही पता चल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे अभी परचेज भी कर रहे हैं, कोई ऐसे ठंड में लगाने की चीज़ खरीद रहे हैं तो कोई सोविनियर यहाँ से लेके जाने के लिए वो खरीद रहे हैं। और आप देख सकते हैं शाम को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे भीड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मार्केट भी लगती है और साथ ही साथ शाम को यहाँ पर चौरास्ता में प्रोग्राम भी होता है तो इसके कारण सभी लोग शाम को ही आपको ज़्यादा दिखेंगे और शाम को आपको घूमना आना चाहिए क्योंकि शाम को ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखता है लाइट्स की वजह से। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जो स्ट्रीट फूड है आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं राइट साइड में पूरा का पूरा भरा है गोलगप्पा स्टॉल्स। सो आपको बुला रहे हैं, ऐसे बुलाते हैं गोलगप्पा वाले और साथ ही साथ आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कॉटन कैंडी टी। और अभी हम यहाँ पे टी पीने जा रहे हैं।
सो गाइस, यहाँ पे शाम को ऐसे बहुत सारे फास्ट फूड स्टॉल्स भी लगते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जो यूथ के मेंबर्स हैं यहाँ पर रुके और डिसाइड किया कुछ खाने को। सो गाइस, आप देख सकते हैं कृष्ण नदी और योजना नदी यहाँ पे है। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग कितना जल्दी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एवरी टाइम यहाँ पर कस्टमर आता है और वो कितना जल्दी जल्दी प्रिपेयर करके उनको उनका ऑर्डर दे देते हैं। सो इट्स रियली कमेंडेबल गाइस दैट दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, दे आर डूइंग हार्ड वर्क। सो या एंड द मील वाज आल्सो सो टेस्टी। और उसके बाद हम लोग फिर से अब जा रहे हैं वापस, तो इसलिए हम टाउन जा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ से ही हम हमारे जो है यूनियन चर्च कैंपस वहाँ पे जाएंगे। सो वहाँ पे हम लोग चलते चलते जा रहे हैं, और बीच में रुक के हम आप देख सकते हैं ऐसे फूड स्टॉल्स का भी मज़ा ले रहे हैं। तो योजना दी, अभी आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं कंफ्यूज्ड हूँ, हमारा चाबी गुम हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस ताले का चाबी गुम हो गया है, और हम लोग का फेलोशिप था, अभी बहुत ढूंढ भी लिया है। तो फाइनली आवर चाबी आ गया है। फाइनली वी गॉट द कीज। यस फाइनली। आप कितना खुश है? भित्र पसेको छ, दैलो बन्द गर्नु। और फाइनली हम अंदर एंटर कर चुके हैं गाइस, और बाय गॉड्स ग्रेस हमको चाबी भी मिल गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है हमारे मेंबर्स। Thank you.
गरेको छ रम्छियो After now finishing this session, and this session was so fun, thanks to Sushmita Di and Sohan for bringing such fun games, and hum logo ko bahut zyada maza aaya. And abhi hum lot rahe hain wapas kyunki abhi shaam ho gayi hai aur abhi hamara dinner time bhi ho gaya hai, so isliye hum wapas lot rahe hain. Now we will meet you guys. So guys, the meal was so tasty and delicious. Now it's the time to rest. रात हो चुकी है, अभी हम सोने जा रहे हैं. और bye guys, आपको मिलते हैं हमारे next vlog में. Thank you.